पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निगरान वजीर आला की तैयारी पर तजब्जुब का शिकार हो गई है। पंजाब के वजीर आला के तौर पर नाम सामने आया था नासिर महमूद खोसा का और उसे वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे कजाफी बट से। कजाफी बट बताइएगा अब तक क्या वजूहात सामने आई हैं, बताया क्या जा रहा है, अगर नाम वापस लिया जाता है तो क्यों लिया जाएगा? इसकी अभी तक वजूहात जो है वो कोई सामने नहीं लाई गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि ये नाम जो है इसके ऊपर दोबारा असर नो और किया जाएगा और हो सकता है, मुमकिन है कि इस नाम को दोबारा वापस ले लिया जाए और कोर कमेटी का इजलास थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू होने वाला है इमरान खान की सदारत में, जिसके अंदर जो है इस मामले के ऊपर जो है वो गौर किया जाएगा। जो जराए बताते हैं कि इस नाम की जो है पीटीआई के अंदर जो दूसरा धड़ा है उसने इसकी सख्त मुखालफत की है। जहांगीर तरीन और इमरान खान की जानिब से ये बताया जा रहा था कि ये नाम सामने आया है, लेकिन इस नाम की जो है भरपूर मुखालफत की गई है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि इस नाम को जो है वो कोर कमेटी के अंदर दोबारा डिस्कस किया जाए। अगर कोर कमेटी की अक्सरियत ने इनके नाम के हक में फैसला दे दिया तो ये नाम बरकरार रहेगा, लेकिन अगर कोर कमेटी के अरकान इसके मुखालिफत में ज्यादा तादाद गई तो फिर इस नाम के ऊपर जो असर नो गौर करके जो है वो नया नाम जो है वो दोबारा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि ये नाम क्योंकि मंजूर हो गया है, अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है नाम दिया था, वजीर आला पंजाब शहबाज के इस नाम को किस तरह वापस लेंगे ये एक बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया। तहम कोर कमेटी के इजलास में इस बात का आखिरी फैसला होगा कि क्या ये नाम वापस लिया जाएगा या इसी को बरकरार रखा जाएगा। ठीक है कजाफी, बहुत शुक्रिया आपका।